क्विज ऑफ पास्ट टेंस 8, ये हमारी 8th क्विज है। हमने प्रेजेंट टेंस की क्विज की, अब हम पास्ट टेंस की क्विज कर रहे हैं। तो टोटल 8 नंबर वाली क्विज चल रही है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्विज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको जो हमने पहले किया है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर से रिपीट हो रहा है ये एक तरह से, तो देखते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैंने कुछ दिन अपने घर बिताए, ठीक है। फाइंड करेक्ट सेंटेंस, मैंने कुछ दिन अपने घर बिताए, ठीक है ना। लास्ट में बिताई या बिताए, ठीक है, ये आ रहा है, ई ए या आता है तो क्या होता है, ता था ते थे ती थी, या फिर ई या ए आए, इसका मतलब होता है कि वो सिंपल पास्ट टेंस है और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसे करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करेंगे। आई एम स्पेंडिंग सम डेज एट माई होम, नेक्स्ट I spending some days at my home. I spent some days at my home. I spend some days at my home. तो मैंने कुछ दिन अपने घर पर बिताई, तो क्या आएगा, I spent some days at my home. मैंने कुछ दिन अपने घर पर बिताए, ठीक है ना। पास में चलेगा बिताए, बिताए है नहीं है, बिताए बस ए है, बिताए है नहीं है, यहां सिर्फ बिताए, ए आ रहा है, ई आए या आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द रूल ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सिंपल पास्ट, तो क्या होगा। एक तो नेगेटिव है, नोट आएगा, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सिंपल पास्ट है मतलब डू डज डिड, पास्ट है तो डिड, ठीक है, देखते हैं। और डिड डू डज डिड के साथ मैंने पहले बताया क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे फर्स्ट है डज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट डिड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। थर्ड डू, सब्जेक्ट Not, verb की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ डिड, सब्जेक्ट नॉट, verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा। देखिए मैंने किसी के पीछे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ है, लेकिन आगे डिड आ रहा है, डू डज आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड डिड आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, Not, verb की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव नॉट आ रहा है, इंटरोगेटिव है तो डिड पहले आ रहा है, सिंपल पास्ट है तो डिड के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। वैसे सिंपल पास्ट में verb की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन इंटरोगेटिव में और उसमें नेगेटिव में verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि डिड लग जाता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम कहां करते हैं। ता था, ते थे, ती थी, या, ए, ई, क्या, नहीं, से रहा था, से रहे हैं, से रही है, से रहे हैं। फोर्थ रहा था, रहे थे, रही थी, कहां पे हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। पास्ट में कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि रहा था, रहे थे, रही थी, तो आंसर इज फोर्थ, रहा था, रहे थे और रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या है। आंसर इज सॉरी ऑप्शन इज सब्जेक्ट वाजवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट वाजवा वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट वाजवा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फोर्थ वाजवा सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट है तो वर्ब लगेगा, और पास्ट पे कंटिन्यूज है तो वर्ब के फर्स्ट रूप के साथ आईएनजी लगेगा। तो सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड आंसर इज 1। सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं अपना काम कर रही थी। फाइंड करेक्ट सेंटेंस, मैं अपना काम कर रही थी। I was does my work. I was doing my work. I was did my work. I was do my work. कर रही थी, past continuous। अभी हम इसका रूल करके हटे हैं। I के साथ was, I was verb की first form plus ing, I was doing my work, मैं अपना काम कर रही थी। Next question is, where we use was, हम was का use कहां करते हैं? First है name, they और it के साथ, we, they और you के साथ, we, he, you के साथ, he, she, it, name, I के साथ। किसके साथ हम was का use करते हैं? देखिए, जो was का use होता है वो singular के साथ होता है। तो fourth, he, she, it, name के साथ। he कोई एक लड़का, she कोई एक लड़की, it कोई चीज या कोई जगह, नेम किसी एक पर्सन का नेम, आई यानी कि मैं, सबके साथ, सब सिंगुलर हैं, तो इसके साथ हम वाज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वी यूज वर, वर का यूज हम कहां करते हैं? नेम, दे, इट के साथ, वी, दे, यू के साथ, वी, ही, यू के साथ, ही, शी, इट, नेम, आई के साथ। वर, इसका हम प्लूरल, वी, दे, यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, तो आंसर इज सेकंड, वी, दे और यू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं? ऑप्शंस इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट चला गया लेकिन उस पर कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, तो आंसर इज 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू डैश लुकिंग मी, ठीक है, यू डैश लुकिंग एट मी, फिल इट इन पास्ट टेंस, इसको हमने पास्ट टेंस में फिल करना है, यानी कि वो चीज फिल करनी है जो कि पास्ट टेंस में, पास्ट में हो, ठीक है ना, पास्ट में इसको हमें फिल अप करना है। यू डैश लुकिंग एट मी, तो ऑप्शन क्या है? यू आर, यू वाज, यू वर, इज, वर्ब की लुकिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, यानी पास्ट में कॉन्टिन्यूस है, तो या तो वाज का यूज होगा या वर का यूज होगा। यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, दैट मीन्स आंसर इज 3, वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश सिंगिंग, फिल अप इन पास्ट टेंस। अब देखिए, शी पास्ट में फिल करना है, आर, शी वाज, शी वर, शी इज, पास्ट में हमने इसे फिल करना है, तो शी कोई लड़की है, एक लड़की है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगते हैं? वाज,
ठीक है ना. तो शी वाज सिंगिंग, तो आंसर इज टू, शी वाज सिंगिंग. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.